बढ़ते अगली खबर की ओर। 9 अगस्त से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र को लेकर पीसी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। साथ ही कहा कि बिजली के बिल और इंजेक्शन को लेकर भी सरकार को घेरा जाएगा। वहीं अरुण यादव को दिल्ली बुलाए जाने पर उन्होंने कहा कि वह वहां बैठकर रणनीति बना रहे हैं और यह एक सतत प्रक्रिया है। इसके अलावा उपचुनाव में जीत को लेकर उन्होंने कहा कि यह जनता की जीत होगी। जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, कर्मचारी परेशान हैं, कोरोना में लाखों लोगों की जान चली गई, सरकार ने सब आंकड़े छुपाए लेकिन अब जनता जीतेगी। वहीं कमलनाथ के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि शिवराज और नरोत्तम मिश्रा हवा हवाई नेता है, यह सब कमलनाथ विधानसभा में उजागर करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर हॉकी टीम को अडानी और अंबानी को दिए जाने की मांग की, जिससे आगामी ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम बढ़िया परफॉर्म कर सके। उन्होंने अडानी और अंबानी से भारतीय हॉकी टीम को संसाधन उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। जब जाहिर है सभी मुद्दे, अभी बाढ़ की स्थिति किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, पूरा का पूरा चंबल ग्वालियर क्षेत्र में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए, कई लोगों की जान चली गई, घर बर्बाद हो गए, जो अधिकारी गए उन पर जनता बरस पड़ी लठ लेके, ये मंत्री और ये वहां उस क्षेत्र में गई नहीं जहां पे भयावह थी, दूर से ग्वालियर थी सब लौट आए। और सरकार जिम्मेदार है, जिस तरह से बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं उसमें घेरेंगे, जिस तरह से लाखों लोगों की जान गई मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी की वजह से, ब्लैक फंगस के इंजेक्शन नहीं मिलने की वजह से ये मामले भी रहेंगे। और जो नेशनल लेवल पे चल रहा है पेगासस, उसके भी अरुण यादव जी वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और केंद्रीय मंत्री रहे, वो कमलनाथ जी और बाकी सब नेताओं में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, इन चारों चुनाव कैसे जीते हैं, 2023 की स्टेट जी बन रही है, तो वहां रूटीन में नेता लोग जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं गया तब भी अरुण यादव जी पहुंचे थे, तो ये एक सतत प्रक्रिया है, उसका ये सब पार्ट है। जिस तरह से बेरोजगारी फैली है, जिस तरह लोग 35 लाख लोग मध्यप्रदेश में बेरोजगार होंगे, अतिथि शिक्षक चयनित शिक्षक मध्यप्रदेश के कर्मचारी ये सब परेशान है, बिजली के बड़े बिल आ रहे हैं, लॉकडाउन में बिजली के बिल आ गए, कमलनाथ जी सरकार ने 100 रूपये स्वयं उठाता था, लाखों लोगों की जान चली गई कोरोना में, उनको आज कहीं कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, सरकार ने ये सब आंकड़े छुपाए, तो ये जो सब मामले हैं ये जनता लड़ेगी इस बार चुनाव और जीत जनता की होगी। कि बहुत फायदा दिलवाया है आपने अदानी और अंबानी को, एक टीम हॉकी की अदानी को सौंप दीजिए और एक अंबानी को, कि इसको 4 साल तक और बीच में भी वर्ल्ड कप आने वाला, इनको पूरी देखरेख करें, इनकी पूरी वो करें, इनकी जो भी आवश्यकताएं उनको पूरी करें, 4 साल तक इनकी ट्रेनिंग चलती रहे और अदानी अंबानी पे इसका भार डाल दो, तो मैं समझता हूं कि अगले ओलंपिक में वर्ल्ड कप की महिला हॉकी भी और पुरुष हॉकी भी जीत के आएंगे।